आवाज नहीं आ रही है नो साउंड ऐसा कैसे हो रहा है नो साउंड नो साउंड कुछ लोगों को आ रही है कुछ लोगों को नहीं आ रही है चलिए सबको आवाज आ रही है जिसको नहीं आ रही है वो अपना चेक कर लीजिए आई थिंक कुछ लोगों के फोन में या फिर उसमें स्पीकर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होगी आप एक बार उसको चेक कर लीजिए ठीक है बाकी लोगों की आ रही है साउंड ठीक हो चलिए जिसको नहीं आ रही है अपना फोन प्लीज चेक कर लो एक बार अब चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन सबसे पहले जाइए इसको शेयर करके आइए जिसने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है यार कर दीजिए फटाफट से जिससे कि आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाए ठीक है बस मैं भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूं आप में से जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप अनन्या माम अंडर स्कोर टेक्स बुक जाइए और फटाफट से इस ग्रुप को ज्वाइन करके कर, कर लीजिए ठीक है क्योंकि सारे पीडीएफ वगैरह आपको इस ग्रुप के ऊपर ही मिलते हैं गाइस तो जस्ट गो एंड ज्वाइन दिस ग्रुप ठीक है चलिए बस हम भी इसको शेयर कर दें कि सेशन लाइव हो चुका है टेलीग्राम पे चलिए तो आज के एडिटोरियल का टॉपिक पहले मैं आपको बताती हूं कि आज हम एडिटोरियल में क्योंकि हम एडिटोरियल सेशन के एंड में करते हैं जिसमें हम एरर डिटेक्शन भी करते हैं तो आज के एडिटोरियल का जो टॉपिक है दोस्तों वो है सोप और और फ्रीबीस। फ्रीबीस है और वेलफेयर डिबेट ऑन फ्रीबीज फ्रीबीज ये क्या बेसिकली ये बात हो रही है उन फ्रीबीज की जिनके बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वोटर्स को ठीक है Excuse me. बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वोटर्स को कि हमको जता दो हम आपको ये फ्री दे देंगे ये फ्री दे देंगे ये फ्री दे देंगे ये लोगों का वेलफेयर है या फिर पॉलिटिशियंस का प्राइवेट कुछ मकसद है इसमें इसकी बात करी जाएगी आज के एडिटोरियल में तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग भी अपने मुझे राय बता सकते हो कि आपको क्या लगता है ठीक है चलिए आगे चले अब पहले क्वेश्चन पे स्टार्टिंग में हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं मतलब गाइस इज जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कोई भी अनलिमिटेड वोकेबलरी नहीं होती कि आप दुनिया की कोई भी वोकेबलरी पढ़ रहे हो और उसको एग्जाम ओरिएटेड कह रहे हो नहीं ठीक है कुछ ही वोकेबलरी होती है जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है पहला सवाल आपके पास आ चुका है देखते हैं कौन दे पाता है आंसर द वर्ड इज बोर्न होमी चलिए बताइए शुरू करिए आंसर देना बॉर्न होमी सब लोग बताइए फटाफट से अब बाकी बातें बाद में ठीक है आंसर करना शुरू करिए अब सारी चीजें अब बाद में डिस्कस करिएगा आंसर दीजिए सबसे पहले इस चीज का बॉन होमी का मतलब क्या होता है एक फ्रेंडली अप्रोच ठीक है बॉर्न bon होमी दोस्तों होता है फ्रेंडली अप्रोच इसी की मीनिंग मैं लिख दूंगी आपको बाकी समझ में आ जाएगा बाकी तो इजी मीनिंग ही है ठीक है रात का मतलब होता है आंग्री गुस्सा वेरी का मतलब भी आपको पता है और ग्रीड का मतलब भी आपको पता है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर सीधा सीधा हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन दैट इज फ्रेंडलीनेस जो दोस्ताना व्यवहार होता है इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है आपका बॉर्न bon होमी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर अकाउंटमेंट्स बताइएगा जरा फटाफट से आंसर अकाउंटमेंट्स लेट्स सी कौन इसका आंसर दे पाएगा अकाउंटमेंट्स रिलेटिव्स एक्सेसरीज ब्लेमिशेज या फिर बिलोंगिंग्स क्या लग रहा है आंसर आपको सब लोग बताइएगा फटाफट से रिलेटिव्स अच्छा उंटमेंट किसी चीज के लिए ये एक दूसरे का देखकर आंसर देना बहुत गलत बात है दीपिका आपका आंसर सही है एक दूसरे का देखकर आंसर देते हो बस तभी आपके नंबर जाते हैं ठीक है ठीके? खुद से गलती करो तो समझ में भी आता है चलो बाद में वो गलती याद रहेगी लेकिन किसी का देख कर गलत करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा ठीक right है एक्सेसरीज इज द राइट आंसर अकाउंटमेंट्स होते हैं वो एडिशनल इक्विपमेंट जो किसी चीज में लगते हैं ठीक है एडिशनल इक्विपमेंट additional equipment अब तो समझ में आ गया होगा कि एक्सेसरीज इसी को तो हम एक्सेसरीज कहते हैं ठीक है ठेके? समझ में आया ब्लेमिशेस का मतलब क्या होता है किसी का सामान और रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदार सारे वर्ड्स क्लियर चलिए अगला सवाल देखो जरा टैलिसमैन फिक्शन charm एप्टीट्यूड या फिर स्ट्रेंथ देखते हैं कौन आंसर देता है टैलिसमैन फ्लो में बिल्कुल बहिए लेकिन अपने फ्लो में एक दूसरे के फ्लो में क्यों बहते हो यार बताइए जरा। जैसे कि हो गई, मतलब ऐसी कुछ चीजें होती है जो लोग अच्छी किस्मत के लिए पहनते हैं नजर ना लगे इसके लिए पहनते हैं या फिर आप कह लीजिए नौकरी किसी के लग जाए इसके लिए कुछ पहन रहे हैं तबीयत ठीक रहे इसके लिए कुछ पहन रहे दीज आर टैलिसमेंट्स ठीक है होते हैं बेसिकली आपके लिए अच्छी किस्मत लेकर आते हैं अच्छी हेल्थ या फिर जो भी जो भी चीज चीजिसमिन आपको प्रॉमिस करता है ठीक तो है बाकी सारे वर्ड तो इजी ही एप्टीट्यूड नेचुरल एबिलिटी कुछ को किसी चीज को करने की फिक्शन वो फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है और स्ट्रेंथ ताकत ठीक है चलिए अगला सवाल आपके साथ आपके पास आने वाला है बहुत अच्छी वोकैबुलरी है ये फॉर्मेंट फॉर्मेंट लेट्सी जल्दी जल्दी से बताइए आंसर दीजिए सब लोग क्या हो जाएगा फटाफट से लेट्सी फॉर्मेंट का मतलब क्या होता है इंस्टीगेट फ्रस्ट्रेट इंस्टीगेट शील्ड फ्रस्ट्रेट वेवर फॉर्मेंट किसी के ख्याल किसी के विचार किसी की भावनाओं को एकदम स्टरअप कर देना स्टरअप का मतलब एकदम हिला देना उसको मतलब बोलते हैं ना कि जगा देना उसके अंदर उसको भड़का देना इसी को फॉर्मेंट बोला जाता है इसका मतलब ही भड़काना होता है ठीक है किसी की भावनाओं को फीलिंग्स को भड़का देना इंस्टीगेट का मतलब भी तो भड़काना होता है तो सिनोनिम अगर पूछा है तो इंस्टीगेट शील्ड का मतलब प्रोटेक्शन फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है फ्रस्ट्रेट का मतलब किसी को परेशान करना और वेवर का मतलब होता है किसी चीज को वीक बनाना कमजोर बनाना तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन इंस्टिगेट ठीक है चले अगला सवाल आपके पास ये रहा फॉस्टरिंग सेफ गार्डिंग नेग्लेक्टिंग इग्नोरिंग या फिर नर्चरिंग कौन देगा आंसर जल्दी से बताइए चाचा इससे ज्यादा हिंदी हमको नहीं आती है हिंदी की क्लास में जाके फिर व्याकरण या तो हिंदी में बताओ फॉस्टरिंग सेफ गार्डिंग नेग्लेक्टिंग इग्नोरिंग या फिर नर्चरिंग आंसर क्या हो जाएगा नर्चर हो जाएगा फॉस्टर का मतलब ही होता है किसी को प्रोत्साहित करना उसको इनकरेज करना है ना इनकरेज करना प्रोत्साहित करना और नर्चर का भी तो मतलब होता है किसी को प्रोपोर्शन दे के उसको आप एक तरीके से उसकी इंकरेज uh, ही तो कर रहे हो उसको नर्चरिंग इज द ओनली राइट वर्ड बिल्कुल सही है यहाँ पे सिमिलर बताना है ना नर्चरिंग सेफ गार्डिंग का मतलब किसी चीज को बचाना बचाव करना ठीक है और इग्नोरिंग नेग्लेक्टिंग तो दोनों सेम है सुनौनिम से एक दूसरे के ठीक है एग्जैक्टली exactly. चलिए अगला सवाल आपके पास ये रहा आंसर बताइए जरा इसका सब लोग बताइए जरा आंसर जल्दी जल्दी से बहुत अच्छा विशाल कंग्रेचुलेशन ऑल द बेस्ट दीपक अच्छा करके आइएगा पेपर चलो गाइलैस विली ट्रस्टिंग ट्रिकी श्योर क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से बताओ भाई Guileless, लेस गाइल का मतलब होता है चालाकी सुनिएगा मेरी बात ध्यान से इतनी जल्दी आंसर मत दिया करो सोच समझ के किया करो लोग यहां पर बोल रहे हैं ट्रिकी होना चाहिए अरे यार गाइल का मतलब होता है ट्रिक्स और जो guileless लेस है भेड़ चाल सुबह सुबह भेड़ चाल चलोगे सारे के सारे मतलब देख लो यहां पर एक दूसरे को ऐसा कॉपी करते हो ऐसा कॉपी करते हो कोई भी और कुछ नहीं सोच रहा है दिमाग एकदम ब्लॉक करके बैठे हो ना कि जो ऊपर वाला आंसर दे रहा है हम सिर्फ वही आंसर करेंगे, सब अपना दिमाग ब्लॉक करके बैठे हो ना यहां पे, एकदम नींद से उठ के पुतले बैठ जाते हैं ऊपर वाला जो आंसर कर रहा है वही लिख देंगे मैम भी खुश हम भी खुश चलिए अब देख लेते हैं पहले ध्यान से देखिएगा यहां पर रुक जाओ रुक जाओ गाइलेस होता है एक निश्चल इंसान सबसे पहली चीज अभी हम है बताते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है यहां पे गाइलेस होता है एक निश्चल इंसान छोड़िए नहीं लिखेंगे समझ आइए ऐसे ही डब्ल्यू आई एल वाई विली डब्ल्यू आई एल वाई विली कौन होता है ये चालाक इंसान होता है इसके अंदर दुनिया भर की चालाकी भरी है अपना फायदा उठाएगा दूसरों का नुकसान करके चालाक है ये इंसान ठीक ट्रिकी का मतलब क्या होता है जो चीज आपको ट्रिक कर ले आपको फसा दे जो चीज वो चीज ट्रिकी होती है ट्रस्टिंग पे भरोसा कर लो श्योर का मतलब होता है श्योर है इंसान तो यहां पे एक तरफ से मुझे लगता है नाइन्टी नाइन परसेंट लोगों ने ट्रिकी दिया था बट द राइट आंसर इज विली मैं कहती हूँ थोड़ा सा तो दिमाग चलाओ खुद भी सोचो कि क्या आंसर हो सकता है सबसे परफेक्ट क्या हो सकता है ट्रिकी नहीं होगा विली होगा ऑप्शन नंबर वन विली ठीक है जो इंसान जो चाहता है उसको हासिल करके रहता है चालाक तरीके से वो इंसान विली होता है डब्ल्यू आई वाई ठीक है चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा सोच समझ के आंसर दो तो बिल्कुल भी आगे वालों को फॉलो करने के चक्कर में मत रहो। अगला सवाल देखिए जरा आंसर बताइए फॉर क्या मतलब होता है लेट्स और जो लोग बाद में आए हैं वो सेशन को आंसर आ, सेशन को लाइक भी कर सकते हो अच्छे लग रहा है अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो अब देखिएगा फोवेंट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग इमोशन शो करना वो अच्छे भी हो सकते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं शोइंग स्ट्रांग इमोशंस ठीक है अब क्या लग रहा है इसका क्या बताना है ऑपोजिट बताना है कीन अपैथिक वेहमेंट या फिर ब्रॉड कीन होता है बहुत ही ईगर पर्सन किसी चीज के लिए ईगर है उत्सुक है तो ये सिनोनिम हो गया अपैथिक होता है जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है बिल्कुल सही है ब्रॉड का मतलब क्या होता है बहुत चौड़ी कोई चीज है ब्रॉड है जिसकी लिमिट ज्यादा है और का भी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लेकिन नेगेटिव फीलिंग शो करना स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसका भी है तो ये भी सुना हो गया है आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर टू क्लियरली ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप आंसर दीजिए सब लोग पेक्यूलियर रेग्यूलर नॉर्मल अनयूजल या फिर स्ट्रेंज कौन देगा आंसर जल्दी जल्दी से फटाफट से बताओ। बताओलियर ये तो इजी क्वेश्चन है यार देखो पेक्यूलियर का मतलब ही होता है अजीब कोई भी चीज अजीब है ना तो उसको आप पेक्यूलियर कह सकते हो ठीक इरेग्यूलर देखो इसका सिनोनिम हो गया ठीक है अन जो यूजल ना हो इसका स्ट्रेंज अजीब इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉर्मल क्योंकि ऑपोजिट बताना है नॉर्मल इज द राइट आंसर ठीक चले आगे अगला क्वेश्चन देखो और बताओ इसका आंसर फेलिशियस इन अप्रोप्रिएट इनबल इराशनल अटिपिकल कौन देगा जल्दी जल्दी से बताइए इन फेम वो होता है जो अपने बुरे कर्मों के लिए फेमस होता है बुरे कर्मों के लिए फेमस जो मिलती है ना उसको इन फेम बोलते हैं बताइए फेलिशियस फेलिशियस का मतलब क्या होता है बिल्कुल सूटेबल वेल सूटेड इसको हम बोलते हैं वेल सूटेड सूटेबल ठीक है वेल सूटेड इसका उल्टा बताना है इन अप्रोप्रिएट इज द राइट आंसर सूटेबल का उल्टा इनअप्रोप्रिएट ही तो होता है अनसूटेबल ही तो होता है ऑप्शन नंबर वन ठीक है समझ में आया क्लियर हुआ चलिए अगला सवाल आपके पास ये रहा राम पाठ फ्यूरियस स्टाइलिश री या फिर हेल्दी कौन देगा आंसर जल्दी जल्दी से बताइए सब लोग rampant. लोग रिस्ट्रेन आंसर दे रहे हैं देखते हैं सही आता है कि नहीं हेल्दी भी आंसर आया है रिस्ट्रेन स्टाइलिश भी आ चुका है तो राम का मतलब है कोई चीज खराब हो रही है बिल्कुल अनकंट्रोलेबल वे में समथिंग गेटिंग वर्स इन अनकंट्रोलेबल वे वर्स इन अनकंट्रोलेबल वे देखिएगा समथिंग गेटिंग वर्स इन आर इनकंट्रोलेबल वे ये कहलाती है फ्यूरियस का मतलब बहुत गुस्सा स्टाइलिश का मतलब सबको पता है स्टाइल अच्छी हो हो का का मतलब limited, restricted, और healthy का मतलब और स्वस्थ आंसर हो जाएगा ना सबसे ज्यादा इसका ऑपोजिट ठीक है समझ में आया क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री क्लियरली गॉट माई पॉइंट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला सवाल आपके सामने ये रहा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये टू हैव अ ग्रीन थम। क्या मतलब होता है टू हैव ग्रीन थम? ग्रीन थम चलिए आंसर बताइए भाई

वाइल्ड गूस चेस किसको कहते हैं वाइल्ड गूस चेस सोचिए और बताइए हमको स्टडिंग फॉर आर्स but not giving mock test is like a wild goose chase in your preparation studying for hours and not giving mock test is exactly like a wild goose chase in your preparation preparation ke time pe bilkul futile search hai ki matlab khoj kar rahe ho success ki nahi dena hai mock test wagaira to kya hai ye sirf ek sirf wild goose chase hai futile search useless search ठीक है जहां पे आपको कुछ नहीं मिले कोई result ना मिले ऐसी search. अगला सवाल जरा देखिए और बताइए hit the nail on the head. ट दी नेल ऑन दी हेड बताएं भाई सोच के देखो ना नेल सीधा हेड पे लगे जो नेल है वो सीधे हेड पे जाकर लगे तो मतलब क्या हो गया आपकी जो निशाना है वो एकदम पॉइंट पे लगा है आपने एक्यूरेटली एग्जैक्टली exactly वो चीज करी या कही जिसकी जरूरत थी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग बिल्कुल सिर पे आपने निशाना मारा बिल्कुल हेड पे आपने निशाना मारा ठीक है ना क्लियर चले आगे वेल well डॉन वेरी गुड अगला क्वेश्चन देखो जरा डॉग डेज ऑफ समर बताइए जरा डॉग डेज ऑफ समर देखो कौन दे पाता है इसका आंसर डॉग डेज ऑफ समर का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बोलते हैं ना कि यार गर्मी से हालत एकदम कुत्ते जैसी हो गई है गर्मी इतनी लगती है कि हालत एकदम कुत्ते जैसी हो जाती है मतलब सबसे ज्यादा गर्म दिन गर्मी के है ना जब हालत एकदम कुत्ते जैसी हो जाए सबसे ज्यादा गर्म दिन हॉटेस्ट डेज ऑफ फोर टेस्ट डेज ऑफ समर को बोला जाता है दोस्तों टू नहीं होगा फोर आंसर होगा याद रखिएगा जब आप गर्मी से कुत्ते जैसी फीलिंग आने लगे अगला क्वेश्चन देखो जरा कट वन शॉर्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर तो कट कट समबडी शॉर्ट आई डोंट लाइक दो स्पैमर्स हु कट मी शॉर्ट आई डोंट लाइक दो स्पैमर्स हु कट मी शॉर्ट बताइए जरा एक्टली exactly. जो इंटरप्ट करते हैं टोकते हैं बीच में है ना इंटरप्ट करना टोकना इसी को बोला जाता है कट समी शॉर्ट टू इंटरप्ट ऑप्शन नंबर याद रहेगा चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखो जरा अगला सवाल क्या कह रहा है ग्रेट लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क वन वर्ड सब्सिट्यूशन है बताना झट से आंसर यार अब तक 200 लाइक्स तो हो ही जाने चाहिए थे हम्म hmm? इतनी धीरे आप लोग चल रहे हो एकदम डल डल से बताइए क्या बोला जाता है इसको लिटरेरी ग्रेट लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क इसको बोला जाता है क्या पार एक्सीलेंस बेट नोयर मैग्नम ओपस कुछ लोगों ने बोला है ओपस पार एक्सीलेंस कुछ लोग बोल रहे हैं अपने तरह की सारी चीजों में से बेस्ट बेस्ट इन इट्स क्लास बेस्ट इन इट्स कैटेगरी लिख दीजिए कैटेगरी फिर एक वर्ड होता है गाइस बेट बेट का मतलब क्या होता है कोई ऐसा इंसान जिसको एक स्पेसिफिक पर्सन डिसलाइक करता है ठीक है एक्स वाई जेड इज अट नॉयर फॉर मी मतलब मैं उसको बहुत नापसंद करती हूँ एक्स वाई जेड इज अट नोयर फॉर मी वन डिसलाइक्स हु मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन जिसको डिसलाइक किया जाए पिकडिलो और मैगनमोप में से क्या आंसर है? 50 -50 हो गया है मैगनमोपस इज द राइट आंसर पिकडिलो होती है एक छोटी सी गलती शॉर्ट फिल्योर स्मॉल फिल्योर शॉर्ट ऑफ फिल्योर होता है ठीक है फिल्योर इज वॉट ठीक है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर मुझे ऐसा लगता है मैं ठीक है इतना बोलती हूं कि मेरी भी वही चीज ना हो जाए जियेंगे तो इन्हीं के साथ मरेंगे तो इन्हीं के साथ ठीक है मतलब इतनी ज्यादा मेरी आदत पड़ गई है गाइस मुझे टोक दिया करी कि मैम थोड़ा सा कम ठीक है बोलिए चलिए अगला सवाल आपके पास ये रहा अ पर्सन हु इंसिस ऑन समथिंग कौन होता है ये बताइए हु इंसिस्ट ऑन समथिंग आई वॉन्ट से ठीक है चलो डिसिप्लिनेरियन स्टिकलर इंस्टांटेनियस बोस्टर चलिए बताइए भाई एक चीज पे चिपका रहे स्टिकलर

सब लोग जल्दी जल्दी इसे कौन इसका आंसर देता है ऑलीग्यार्की मोनार्की प्लूटोक्रेसी ऑटोक्रेसी फ्यू रूल या फिर फ्यू गवर्नमेंट छोटा सा ग्रुप है पूरे देश के ऊपर राज कर रहा है छोटा सा ग्रुप पूरे गेल्दी ठीक है ऑटोक्रेसी राज होती है आप समझ लीजिए पूरी की पूरी सत्ता डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ एक पर्सन के ऊपर है।, है ना ऑटोक्रेसी कहलाती है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला सवाल आपके पास एक ऐसी स्टाइल जिसकी हेल्प से राइटर अपनी नॉलेज दिखाता है वो तरीका वो स्टाइल को क्या कहा जाता है जरा बताएंगे पिडांटिक वर्बोस पॉम्पस और नेट बताइए वर्बोस कहेंगे अच्छा वर्बोस <laughs> होता है जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल बोलने में या लिखने में ठीक है पिडांटिक होती है वो लिटरेरी स्टाइल जिससे नॉलेज नॉलेज अपने को शो ऑफ करता है कोई राइटर ठीक का मतलब भड़कीला और ऑर्नेट का मतलब एक तरीके से सजाना डेकोरेटिव डिटेल्स राइटिंग की स्टाइल होती है डेकोरेटिव राइटिंग स्टाइल ऑर्नेट तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनडाउटेडली ठीक है अगला सवाल देखो जरा मल्टीमीडिया मल्टीटास्किंग, टास्किंग मल्टीपल मल्टी कौन देगा आंसर फटाफट से बताइए पीडीएफ मिल जाएगी अनन्या मैम अंडर स्कोर टेक्स्ट बुक पे ठीक है सारे वर्ड्स की पीडीएफ लेके अगर एक बार रात में रिवाइज कर लोगे ये वर्ड्स आपको कभी नहीं भूलेंगे तो आपको जो पीडीएफ मिलती है वो मेरे टेलीग्राम पर मिलती है मैं नाम यहां पर लिख रही हूं अगर कोई भी यहां पर न्यू है तो अनन्या मैम अंडर स्कोर बुक ठीक है चलो मल्टीमीडिया बोलते हैं और क्या याद है शुरुआत शुरुआत में क्या क्रेज था मल्टीमीडिया फोन्स का और इसका फोन मल्टीमीडिया है भाई इसके फोन में फोटो आ जाती है इसके फोन में फोटो क्लिक हो जाती है मल्टीमीडिया फोन मल्टीमीडिया है कंबाइंड मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है मल्टीटास्किंग जो एक चीज बहुत सारे टास्क कर दे मल्टीपल का मतलब बहुत सारे और मल्टी सबको पता है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला सवाल आपके पास ये रहा लाइक दी सेशन एज वेल गाइज लाइक भी कर दिया करो ठीक है डू हिट द लाइक बटन एज वेल चलिए बताइए अच्छा ओके आपसे एक स्पेलिंग पूछी गई है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है देखिएगा जरा ध्यान से सब लोग इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है द वर्ड इज होता है जो छुप के लोगों को नुकसान पहुंचाए वही तो इनसाइडियस कहलाता है एग्जैक्टली आई एन एस आई डी आई ओ एस इनसाइडियस जो छुप के नुकसान पहुंचाए ऑप्शन नंबर फोर ठीक चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला सवाल आपके सामने है The emoji was just asking you guys, की सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलो अगला सवाल देखो जरा क्या क्वेश्चन है विमल खाता है <laughs> और विमल हमारे सेशन में खाता कौन है जरा ये भी बता दीजिए चलो एक वर्ड होता है गाइस, डेट्रीमेंट डेट्रीमेंट का भी मतलब होता है कि जिस चीज को हार्म किया गया हो डेट्रीमेंट द स्टेट ऑफ बींग हार्म डेट्रीमेंट डेट मेंट डेट्रीमेंट ठीक अगला सवाल आपके पास बताइए जरा स्पेलिंग सब लोग देखें कौन दे पाएगा इसका आंसर चलिए फोन के ऑटो करेक्ट ऑफ रखा है ना एमोरफस, एमोरफस की स्पेलिंग ही तो पूछिए एमोरफस, एमॉर ठीक पी एच ओ यूएस फस एमॉर फस ऑप्शन नंबर फोर फस क्लियर चले आगे ये देखो अगला सवाल क्या हो जाएगा इसका आंसर सब लोग बताइए डिसेंट्री बीमारी होती है इंटेस्टाइन की सेवरल मतलब बहुत सीवियर डायरिया डिसेंट्री कहते हैं उसको डिसेंट्री डी वाई ई एन टी आर वाई डिसेंट्री होती है टी आर वाई होता है डिसेंट्री में एस ई एन टी आर वाई डिसेंट्री ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए जरा और बताइए पहले आप मुझे भी बताओगे इसकी स्पेलिंग फिर मैं आपको बताऊंगी उसका मीनिंग क्या होता है चलिए जल्दी जल्दी एम टी एस में यस्टरडे की स्पेलिंग पूछा था चलिए आंसर दीजिए एक वर्ड होता है गाइज इनग्रेशिएट देखो इसका मतलब होता है किसी की चापलूसी करके उससे फायदा लूटना उससे अपना फायदा करवाना इस चीज को इंग्रेशिएट बोलते हैं चापलूसी करके किसी की अपना फायदा करवाना अपने फायदे के लिए चापलूसी करना इन ग्रेशिएट ग्रे शियट इन ग्रेशिएट ठीक जी अगली सवाल देखिए जरा अंडरलाइन फ्रेजल लाफ एट क्या मतलब होता है लाफ एट का सब लोग बताना जरा इट्स लाफ एट पीपल किसी के ऊपर हंसना मतलब किसी का मजाक उड़ाना यही तो हुआ किसी के ऊपर हंसना या किसी का मजाक उड़ाना बोला जाता है क्या लाफ एट समबडी। Laugh at somebody to make fun of someone or something. Option number four. Take it? The next question is up. they here. Light up. Light up. Jaldi bataiye. Light up. Light up. क्या मतलब होता है किसी चीज को जगमगा देना एकदम हसमुख और चेयरफुल बना देना है ना लाइट अप का मतलब टू मेक समथिंग चेयरफुल बहुत ही ज्यादा चेयरफुल बना देना किसी चीज को ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर ठीक आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब देखिए अगला सवाल क्या हो जाएगा काउंट ऑन क्या मतलब होता है काउंट ऑन का सब लोग बताओ जल्दी जल्दी से न काउंट ऑन मी फॉर योर इंग्लिश प्रेपरेशन जल्दी से बताइए यू गाइस कैन काउंट ऑन मी फॉर योर इंग्लिश प्रेपरेशन आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं अपनी इंग्लिश की तैयारी के लिए रिलाई ऑन समन एक्सैक्टली काउंट ऑन समय ऑन समन किसी पर भरोसा करना गॉट इट आगे चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखिए कट आउट फॉर कट आउट फॉर जल्दी जल्दी से बताओ सब लोग कट आउट फॉर सुटेबल फॉर समथिंग किसी चीज के लिए कट आउट होना सूटेबल होना हां जी अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश मेक्स यू अ कट आउट फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन

पूरा स्टेटमेंट पढ़िए टर्मिनेट होना चाहिए आई यू श्योर द मैनेजर इज गोइंग टू ले ऑफ सम एम्प्लॉयज एक्सैक्टली टर्मिनेट मतलब नौकरी से निकालने वाला है टर्मिनेट द सर्विस ऑफ स्टेटमेंट से ही पता चल गया इसका मीनिंग ईजिली है ना चलिए अगला सवाल आपके सामने गाइस कैन वी रीच 300 लाइक्स सेशन अच्छा लग रहा है तो मुझे यहां पे लाइक्स पे पता क्यों नहीं चल रहा है भाई क्वैक किसको कहते हैं क्वैक क्यू यू ए सी के जल्दी से बताओ क्वैक ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग इम्पोस्टर विक्टिम नेव कौन होता है ये ये नेव होता है एक डिसऑनेस्ट पर्सन विक्टिम होता है पीड़ित इंपोस्टर होता है बहरूपी और ऑफस्प्रिंग होते हैं छोटे बच्चे छोटे छोटे जो नवजात होते हैं आंसर क्या हो जाएगा क्वैक बोलते हैं हम बहरूपिये को इंपोस्टर को बहरूपीए को क्वैक बोला जाता है दोस्तों इंपोस्टर को बोला जाता है ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए अनसेवरी मीगर एपेटाइजिंग लूशियस अनपालटेबल देखिए जरा गिमी दी आंसर्स गिमी दी आंसर्स मीगर एपेटाइजिंग लूशियस अनपालटेबल कुछ लोग चलिए स्टेटमेंट बना रहे हैं अब दो लोग मुझे लगता है हार्डली अनसेवरी का आपको क्या बताना है सिमिलर सेवरी का मतलब होता है डिलीशियस आइटम्स अनसेवरी का मतलब है जो डिलीशियस आइटम्स नहीं है मीगर का मतलब कमी एपटाइजिंग और लूशियस एपटाइजिंग और लूशियस यहां पर सिमिलर है ठीक है एपटाइजिंग भी खाने पीने से रिलेटेड है खाने को लेके जो चाहत है दैट इज एपटाइजिंग और लूशियस का मतलब होता है डिलीशियस टेस्टी अनपैलेटेबल है, है क्योंकि पैलेटेबल का चले आगे अब देखो जरा अगला सवाल क्या कहता है बताइए नॉन शैलेंट बहुत पूछा जाता है ये नॉन शैलेंट आपसे बताओ सब लोग नॉन शैलेंट चलिए म्यूटनस अच्छा और बेसिकली गाइस नॉन शैलेंट होता वो इंसान है बहुत ही केयरलेस पर्सन केयरलेस या फिर कह लीजिए कुछ ज्यादा ही काम है ये इंसान काम रिलैक्स जिसको आस पास क्या हो रही है कोई फर्क नहीं है आराम से है ये चिल बैठा है ठीक फिर देखो माइजरली कंजूस होता है न्यूटनिस होता है जो अथॉरिटी के खिलाफ जाता है अपोज़ेस अथॉरिटी अपोज अथॉरिटी तो ये तो यार इसका आंसर हुआ नहीं आपको क्या बताना है सिमिलर मीनिंग Composed का मतलब होता है बिल्कुल रिलैक्स काम calm स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड composed होता है Deficient का मतलब कमी आंसर क्या निकल गया Composed निकल गया आंसर ठीक right है बहुत अच्छा बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स बन रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड गर्ल्स ज्यादा स्टेटमेंट बना रही हैं. बॉयज में एक ही इंसान बनाते हैं विशाल बाकी लोग एकदम मजे में हैं। बाकी सारे वर्ड्स तो हलवा हैं आप लोगों के लिए हलवा है वर्ड्स तो मत बनाइए कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर डिफिकल्ट लग रहे हैं तो जरूर से बनाया करो चलिए आंसर बताइए डिबॉनियोर अनसोफिस्टिकेटेड पॉम्पोर स्वेव या फिर पैम्पर्ड कौन देगा आंसर स्वेव आंसर आ रहा है देखिए डिबोनियर होता है बहुत ही कॉन्फिडेंट बहुत ही स्टाइलिश पर्सन स्वेव भी समझ लीजिए बहुत स्मूथ, बहुत स्टाइलिश है अनसोफिस्टिकेटेड इंसान को जो बोल, बोलते हैं जो असभ्य होता है असभ्य अनसोफिस्टिकेटेड है ठीक है पॉम्पस दिखावे वाली चीज दिखावटी चीज इज पॉम्पस और एक वर्ड है पैम्पर्ड पैम्पर्ड क्या होता है जिसको अच्छे से पैम्पर किया गया हो वो चीज पैम्पर्ड होती है जिसको अच्छे से पैम्पर किया गया हो वो चीज कहलाती है पैम्पर्ड एक्सैक्टली exactly. तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री दैट ठीक है चलिए अगला सवाल आपके सामने है क्वेंट, काइंट प्रीमेचोर पॉम्पस क्वियर. कौन देगा आंसर सबके आंसर आ रहे हैं किसी की आईडी ब्लॉक नहीं हुई है की गिविंग आंसर्स चलिए अब देखिएगा अट्रैक्टिव है ये चीज अट्रैक्टिव है लेकिन थोड़े अनयूजल वे में अट्रैक्टिव इन अनयूजल वे अब आपको देना क्या है इसका मीनिंग अट्रैक्टिव इन अनयूजल वे Premature जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है चीज उसको हम premature बोलते हैं ठीक है फिर एक वर्ड आता है पॉम्पस वही दिखावटी प्लेकेड का मतलब और क्वियर का मतलब प्लेकेड का मतलब आप कह सकते हो किसी को काम करना किसी को शांत करना और क्वियर का मतलब होता है अजीब तो आंसर क्या हो जाएगा प्लेकेड नहीं होगा क्वियर होगा ठीक है अजीब अट्रैक्टिव है बट अनयूजल वे में इसलिए आंसर यहाँ पर क्वियर है और कोई वर्ड इसके आसपास नहीं है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला सवाल आपके पास बताइए जरा अनिमोसिटी डीमा एग्रीगियस एमिनेंट एमिडिटी एमिटी सब लोग बताइए जल्दी जल्दी लेट्स सी एनिमोसिटी ये एनिमिटी से बना है एनिमोसिटी होती है भयानक जो नफरत है है ना ये डेमेर ये क्या होते हैं ऑब्जेक्शन एग्रीगियस एमिनेंट एमिनिटी एग्रीगियस क्या चीज होती है आप समझ लीजिए कोई ऐसी चीज जो बहुत ही बुरी है है ठीक और का मतलब होता है फ्रेंडशिप तो उल्टा तो एमटी हो गया ना यहां पर ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर चलिए अगला सवाल आपके पास दर्ड इज कॉन्डोन ऑलटेरिटी कंसीड condemn या फिर फ्रॉड कौन देगा आंसर जल्दी जल्दी से बताओ सारे लोग हम्म जल्दी से Alterity, concede condemn या फिर fraud ये वर्ड बहुत ही कॉमनली आपसे पूछा जाता है इसका मतलब होता है ना गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेना गलत हो रहा है सामने उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना स्वीकार करना दैट इज कॉन्डोन ऑल्टेरिटी ऑल्टर से बना है ऑल्टर का मतलब ही होता है अंतर डिफरेंस ठीक है फिर एक वर्ड आता है कंसीड कंसीड का मतलब क्या होता है किसी चीज को क्या करना सच बताना किसी चीज को ट्रू कहनाडेम का मतलब है किसी चीज की आलोचना करना फ्रॉड का मतलब है किसी चीज से भरा होना तो यहां पे ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्डेम ठीक है कॉन्डेम यानी कि आलोचना करना ये गलत चीज को एक्सेप्ट करना ये आलोचना करना ऑप्शन नंबर थ्री राइट आंसर ऑपोजिट ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टॉमेंट क्रूसिफाई कौन देगा आंसर बताइए जरा ओके टॉर्मेंट फिजिकल और मेंटल सफरिंग जो पेन होता है जो सफरिंग होती है वो टॉर्मेंट होता है आपको इसका बताना क्या है ऑपोजिट इन मीनिंग बताइए क्रूसीफाई हैसिल कंफर्ट कंफर्ट ही तो होगा है ना टॉमेंट किसी को फिजिकल या मेंटल पेन देना कम्फर्ट का मतलब आराम देना राहत देना तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सीधा सीधा, कुछ शक की बात नहीं है इसमें प्रीफरेंस प्राग्मैटिकीफरेंसोपियन रिजॉर्चमेंट या फिर पीवेश प्राग्मैटिक का बताइए जरा देखें साड़ी क्या कहो तो दुल्हन बन के चले आए हा दुल्हन बन लें और मॉडल बन के आके मॉडलिंग करना शुरू कर दे यहाँ पे जो बोलो भाई क्योंकि पढ़ाई तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है पढ़ाई से है ना इतने बड़े आई एस पीसी बन के बैठे हो पढ़ाई से मतलब नहीं है साड़ी पहन के आया करिए आंसर बताओ प्रेग्माटिक होता है बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान जो है प्रैक्टिकली सोच रहा है ठीक है प्रीफरेंस यूटोपियन एजॉर्टमेंट और पीविश को ऑपोजिट बताना है बताइए जरा क्या हो जाएगा आंसर यूटोपियन यूटोपियन होती है वो इमेजिनरी स्टेट जहां पर सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया है सब कुछ अच्छा है सब लोग हैप्पी हैप्पी है आपके सपनों की दुनिया ठीक है एग्जैक्टली तो आंसर हो जाएगा यूटोपियन प्रेफरेंस का मतलब तो पता ही है आप लोगों को एजॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है अलग तरीके की चीज है और पीविश का मतलब होता है क्या यू कैन से इरिटेबल चीज इरिटेट करे जो चीज ठीक आंसर अगला सवाल पेट्यूलेंट आफेबल रियलिस्टिक पोर्टेबल पॉपर कौन देगा आंसर बताइए जरा हम्म आंसर दीजिए भाई Let's see. चलिए बताइए हमें आंसर जल्दी जल्दी से आ जाइए आ जाइए जरा क्वेश्चन देखो पेट्यूलेंट पेट्यूलेंट एक ऐसा इंसान है बहुत ही जल्दी अनॉय हो जाए चिढ़ जाए इजिली अनॉयड ठीक है एफेबल होता है बहुत ही फ्रेंडली इंसान रियलिस्टिक का मतलब है सच्चाई से रिलेटेड सच्चाई से रिलेटेड ठीक है पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य प्रॉपर गरीब आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन फ्रेंडली पिट्यूलेंट होता है लोगों से जल्दी चढ़ जाता है और एफेबल बहुत ही फ्रेंडली इंसान होता है ठीक है अगला क्वेश्चन जरा बताइए देखें सी फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट रा क्या कहते हैं रानसम लेसन आपको पता है हैंडसम और जेटिसन क्या होता है बताइए सब लोग बताइए रानसम हैंडसम समझ लीजिए एक दो पहिए वाली घोड़ा गाड़ी होती है और जेटिसन होता है किसी चीज को शिप या प्लेन से उतारना सॉर्ट ऑफ दैट इज जेटिसन प्लेन से गिराना हटाना या शिप से दैट इज ठीक है तो आंसर हो जाएगा इसमें से अगला सवाल कौन है कबीर सिंह भाई? अगला सवाल है आपके पास काउज आर शेल्टर जहां पर गाय वगैरह बांधी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं देखूं जरा हम सेशन को लाइक करने नहीं बोलते हैं तो लाइक नहीं करते हो जो लोग बाद में आए हैं अच्छा लग रहा है सेशन तो आप लाइक भी कर सकते हो यार देखो जहां पर गाय खड़ी होती है उसको हम बायर ही बोलते हैं है ना बुरो होता है जहां पे कौन रहता है राबित रहते हैं बच्चर होता है जहां पे मीट वगैरह बेचा जाता है काट कर और बिलियन क्या होता है बताइए गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड से कोई ऑर्नामेंट बनती है उसको हम बुलियन बोलते हैं ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन दैट इज बायो ठीक है अगला सवाल देखो वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन द द ऑफ़ वर्ल्ड दुनिया की जो मोहमाया है जिसको इससे फर्क ना पड़े वो कौन एसेटिक सन्यासी और बताइए एसिटिक ही है कि कोई और भी भेड़चाल से बचने की कोशिश करना कौन होता है कान की डिजीजेस जो ट्रीट करे। ट्रीट uh, डिजीजेस एवारीश कौन होता है एवारीश समझ लीजिए एक मतलब बहुत ही लालची इंसान पैसे के लिए ठीक है ग्रीड ग्रीडी पैसे रुपया का लालची और एवियारी होती है वो इंक्लोजर जहां पे चिड़िया रखी जाती हैं, ठीक है ठेके? चलो अगला सवाल आपके पास ये रहा मीन्स बिजनेस मीन्स बिजनेस क्या मतलब लग रहा है इसका बिजनेस होता है बेसिकली सब लोग बताओ किसी चीज के बारे में बिल्कुल सीरियस होना है ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना बिल्कुल सीरियस होना किसी चीज को लेकर बस यही बोला जाता है आपका मेन बिजनेस ठीक है exactly Cello. क्या हो जाएगा बीन स्ट्रिक्ट बीन एंग्री बीन फनी बीन सीरियस बींग सीरियस अबाउट समथिंग ठीक है स्टडी एज इफ यू मीन बिजनेस फॉर सिलेक्शन स्टडी एज इफ यू मीन बिजनेस फॉर योर सिलेक्शन मतलब आप सीरियस हो उस तरीके से पढ़ाई करो कि आप अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस हो सीरियस होना किसी चीज को लेकर ये बोला जाता है स्ट्रिक्ट नहीं सीरियस ठीक है एक और क्वेश्चन करिए फिर चलते हैं हिंदू पे गेट द शो ऑन द रोड गेट द शो ऑन द रोड क्या होता है इसका सही जवाब शो ऑन द रोड बताइए आंसर बताइए बोलते हैं ना कि अब एक्शन दिखाने का टाइम आ गया है अब एक्शन दिखाने का टाइम आ गया है बस यही चीज होती है आइडिया को एक्शन में पुटअप करना शो दिखाने का टाइम। शो ठीक है। गेट द शो ऑन द रोड बस आइडिया में पुटअप करना एग्जैक्टली पुटिंग एन आइडिया इन टू एक्शन याद रहेगा अब मैं आपको जो देने जा रही हूं दोस्तों वो है असाइनमेंट क्वेश्चन

ठीक है फिर चलेंगे हम आज के कहां पर द हिंदू एडिटोरियल के ऊपर और द हिंदू एडिटोरियल आज है किस पे फ्रीबीज के ऊपर है एक बार जितने लोग यहां पर हैं सबसे पहले जाइए सेशन के लाइक बटन को क्लिक कर दो सब लोग जस्ट गो एन क्लिक ऑन द लाइक बटन फॉर वांस जितने लोगों को यहां पे सेशन समझ में आ रहा है सेशन अच्छा लग रहा है यूजफुल लग रहा है ठीक है अच्छा गाइस एक चीज मैं आप लोग को बता दू इसके बाद वाली जो मेरी क्लास है वो कितने बजे होगी ग्यारह बजे होगी अब वो टॉपिक वाइज क्लास होती है ठीक है टॉपिक वाइज क्लास होती है चलो अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और वेलफेयर डिबेट ऑन फ्रीबीज आज के न्यूज़पेपर का है ये हाँ जी जो मतलब बहुत से पॉलिटिशियंस आपने देखे होंगे वादे करते हैं ना बड़े बड़े कि हमको वोट दीजिए हम आपको बिजली फ्री पानी फ्री आपको इतने किलो राशन फ्री है ना सब फ्री अपने वोट के चक्कर में तो उनको राइटर बोल रहा है सॉप सॉप एक तरीके से आप कह सकते हैं घूस ये घूस है कि लोगों का वेलफेयर है अपने वोट कमाने के लिए ये घूस है कि लोगों का वेलफेयर क्या है आखिर ये चलिए अब देख लेते हैं हम फ्रीबीज का मतलब होता है जो चीज आपको फ्री में मिल जाए वो फ्रीबीज होती हैं अब पैसेज में आई हुई आज द हिंदू में कुछ वोकैबुलरी आई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो उसी में से पहला वर्ड है कंटेंट पीडीएफ के लिए देखो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे ग्रुप का लिंक भी नीचे लिख दिया है ठीक है ये देखिए अब देखो जरा कंटेंट कंटेंट एक वर्ब है इसका मतलब होता है संघर्ष करना किसी चीज को फेस करना मुश्किल चीज को या संघर्ष करना कंटेंट कहलाता है ठीक है समझ में आया अगला सवाल देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक वर्ड है स्टेटमेंट्स फ्रेम कर लीजिएगा इन तीनों के क्या कह रहा है डेलीनेट डेलीनेट भी एक वर्ब होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को एक तरीके से क्या करना चित्रित करना है टू टू सेट आउट समथिंग हां जी डेलीट ठीक है चित्रित करना किसी चीज को डिस्क्राइब करना चित्रित करना टू सेट आउट समथिंग ठीक फिर एक और वर्ड आता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वर्ड्स तो बहुत सारे आते हैं लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स में आपको सिर्फ यहां पे करवाती हूँ फिर एक वर्ड आता है वॉन्ट वी एंट यू वॉन्ट एक एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है डिंगे हाँकना बड़ी बड़ी बातें करना है ना हाकना जिसको बोलते हैं कहलाता है ठीक है क्लियर? चलिए चलिए अब हम चलते हैं पैसेज के ऊपर और पैसेज में आप ढूंढोगे गलतियां सबसे पहले आप गलतियां ढूंढोगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या गलतियां हैं और उसका एक्सप्लेनेशन पहले आपके पास थर्टी सेकेंड्स है यू हैव टू फाइंड एरर्स एक से ज्यादा गलतियां हो सकती हैं और आप लोग मैक्सिमम में एक ही गलती बता पाते हो तो कोशिश करिएगा कि आप एक से ज्यादा सारी गलतियां यहां पर ढूंढ के आप मुझे बताइए सब लोग कम ऑन एवरी वन जल्दी जल्दी लेट्स सी कौन दे पाता है आंसर कम टू नहीं आएगा अच्छा फिर क्या आना चाहिए दी पार्लियामेंट होना चाहिए अच्छा दूसरे वाले टू को हटा दे तो वहां पे कुछ आना भी चाहिए कि नहीं कम थ्रू चलिए टाइम्स अप अब यहां पे ध्यान से देखना आप लोग कम टू पार्लियामेंट कम टू पार्लियामेंट का मतलब यहां पे सेंस क्या निकला कि पार्लियामेंट में आना चाहिए और कोई चीज पार्लियामेंट में आए यार ये तो कोई मतलब निकला नहीं है ना ये तो कोई मतलब निकला नहीं कि फ्रीबीज को लिमिट फ्रीबीज को लिमिट करना चाहिए और इसके लिए जो स्टेप्स है ना वो पार्लियामेंट में आने चाहिए पार्लियामेंट में आने चाहिए इसका कोई मतलब खास निकल नहीं रहा है राइडर क्या कहना चाहिए कहना चाह रहा है कि पार्लियामेंट इन स्टेप्स को दे सेंस ये निकाल रहा है कि पार्लियामेंट इन स्टेप्स को निकाले पार्लियामेंट के जरिए ये स्टेप्स आने चाहिए तो होना चाहिए कम टू की जगह कम थ्रू पार्लियामेंट पार्लियामेंट के जरिए ये स्टेप्स निकल कर आने चाहिए कि जो फ्री में चीजें बांटी जा रही हैं इसमें भी कुछ आ, मतलब लिमिट वगैरह है कि नहीं कुछ लिमिट्स होनी चाहिए इसकी ये नहीं कि जिसका जो मन कर रहा है वो लालच दे रहा है वोटर्स को कुछ भी दे रहा है कि हमको वोट दो तुमको हम सब फ्री में देंगे इसकी लिमिट होनी चाहिए ऐसा बोल रहा है राइटर ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट वन इज ह्योर वन मिनट का टाइम मल्टीपल एरर्स हो सकती हैं एक से ज्यादा शुरू हो जाइए जल्दी से बताना सभी SEEM PUSH चलिए अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से यहां पर इसका मतलब ही आप लोगों ने नहीं समझा यहां पे लिखा हुआ था दफ्यू दफ्यू का मतलब होता है थोड़े लेकिन जितने हैं सबकी बात हो रही है और यहां पे सेंस क्या निकल रहा है देखिएगा जरा सुनिएगा हाउ वे वर्व द फ्यू विल डिस दैट वॉट कॉन्स्टिट्यूट फ्री बी And what are legitimate welfare measures to protect the vulnerable section are essentially political questions which for which the court of law may have no answer में मतलब कोई ऐसा सवाल है अभी डिटेल में आपको बताऊंगी कोई ऐसा सवाल है कोई भी इस पे डिसग्री नहीं करेगा कि एक ऐसा सवाल है जिस पे कोर्ट के पास भी कोई आंसर नहीं है कोई इस पे डिसग्री नहीं करेगा इसलिए यहाँ पे होना चाहिए फ्यू विल disagree मतलब कोई डिसग्री नहीं करेगा फ्यू का मतलब होता है नो no वन सिर्फ और सिर्फ फ्यू होगा ठीक है फ्यू का मतलब होता है नो no वन मतलब इसमें कोई भी डिसग्री नहीं करेगा कि इसका जवाब कोर्ट के पास भी नहीं है ठीक आप सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से जनरल कंसर्न ओवर फ्रीबीज पुशिंग द इकोनमी टू रून और अनवाइबल फील इलेक्शन प्रोमिस एंड इज अफेक्टिंग इनफॉर्म डिसीजन मेकिंग बाई वोटर्स रीजनेबल आप सुनिएगा ध्यान से आपने पूरा पढ़ा है अभी फ्रीबीज क्या कर रही हैं फ्रीबीज हैं क्या वो फ्री की चीजें हैं जो पॉलिटिशियंस वादा करते हैं लोगों से कि आप हमको वोट दीजिए हम आपको ये फ्री में देते हैं ठीक है है तो इनकी वजह से खराब हो रही है। हमारी नीचे जा रही है अगर इतने लोगों को आप फ्री में कोई चीज दे रहे हो और फ्री में देना है तो फिर सबको दोगे आप इकॉनमी हमारी नीचे जा रही है ठीक है अनवाइलेबल वायलेबल का मतलब होता है जो चीज आप पूरी ना कर पाओ ऐसे प्री uh, इलेक्शन के पहले प्रोमिस करते हैं जो पूरे भी नहीं कर पाते हैं एडवर्सली अफेक्टिंग इनफॉर्म जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वोटर्स की उसको भी ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित प्रभावित करते हैं ठीक है हाउवे वो फ्यूल इस पर कोई भी डिसग्री नहीं करेगा क्या फ्रीबीज हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए हैं इन दोनों बीच के इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है ये खुद लॉ या कोर्ट के पास भी इसका आंसर नहीं है ठीक है तो फ्यू विल दैट फ्री बी फ्रीबी फ्रीबी क्या चीज है कौन कौन सी चीजें फ्री को कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं आज वट आर लेजिटिमेट वेलफेयर और असली का वेलफेयर क्या है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मेजर्स टू प्रोटेक्ट द वर्लरेबल से गरीबों के लिए बेसिकली सेक्शन के लिए कुछ तो वेलफेयर भी होता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आर एसेंशियली पॉलिटिकल क्वेश्चन एक अच्छा खासा पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर किसके पास नहीं है लॉ और कोर्ट के पास भी नहीं है ठीक इन दिस बैकड्रॉप द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू फॉर्म अ बॉडी इसी चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है एक बॉडी बनाई है है ना डिसीजन लेने के लिए इसी के लिए एक बॉडी बनाई गई है कि इस पे डिसीजन लेना है कि क्या फ्रीबीज होनी चाहिए और क्या आपके लिए क्या फ्रीबीज होनी चाहिए किनको फ्रीबीज बोला जाए और किनको वेलफेयर माना जाए इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है स्टेक होल्डर्स की टू एग्जामाइन द इशू रेजेस द क्वेश्चन वेदर द लेजिस्लेचर कैन बी बाईपास ऑन सच अ फार रीचिंग एक्सरसाइज जितने फार रीचिंग मतलब इतने लंबे समय से और वाइड uh, रेंज पे जो एक्सरसाइज चल रही है उसके ऊपर भी कोई लेजिस्लेचर होना चाहिए कि नहीं पास किया जा सकता है कि नहीं ठीक है चलिए तो ये था आज अच्छा का पैसेज थोड़ी मतलब ये हिंदी नहीं तो और मैं क्या बता रही हूँ भाई मैम इसके हिंदी बताया करो हिंदी नहीं तो मैंने क्या बताया हिंदी तो बताई तो ये था आज के पैसेज का एक छोटा सा हिस्सा कोशिश करा करिए कि आप इसमें थोड़ा सा और एड ऑन करो मतलब पूरा पैसेज आप रीड करा करो ठीक है चलो पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा आपको अनन्या मैम अंडर स्कोर टेक्स्ट बुक ये आपको ज्वाइन करना है सारे पीडीएफ के लिए ठीक है क्योंकि गाइज रिविजन जब तक आप नहीं करोगे पीडीएफ uh, लेके तब तक, तक आपकी तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है सो मेक श्योर कि आप हर दिन रिविजन भी करो ठीक है और साथ साथ में गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव टेस्ट बुक पास क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लो जब तक मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो आपका पूरी तरीके से तैयारी हो ही नहीं पाती है सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव मॉक टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस और उसके लिए आपके पास पास होना चाहिए और पास के लिए पास आपको सस्ते में मिल जाए उसके लिए कूपन कोड है ए पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है कूपन कोड ए एन एस पी ए डबल एस डबल एस है ये ठीक है एन एस पी ए डबल एस कोड है ये इसको आप यूज करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए पहला लिंक है क्लिक करिए चार सौ रुपए में पास मिल जाएगा पूरे साल का इस पास के अंदर 580 के अंदर से ज्यादा एग्जाम्स मॉक टेस्ट हैं मतलब सब कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा एक सब्सक्रिप्शन चार सौ रुपए में पूरे साल का सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट ठीक है अगला जो मेरा सेशन है गाइस वो है्यारह बजे है टॉपिक वाइज ग्रामर चल रही है और आज कंप्लीट वॉइस होगी वॉइस को एकदम आसान बना दिया जाएगा आज ठीक है तो ग्यारह बजे आप लोगों से मिलते हैं फ्री फ्री का मतलब फ्री की चीजें मुफ्त की चीजें फ्रीवीज कहा जाता है बाकी अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है गाइस सुपर सुपर कोचिंग 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 के लिए सुपर कोचिंग एक बहुत ही अफोर्डेबल है जो टेस्ट बुक ने लॉन्च करी है इसमें हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है कोचिंग क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तीन सौ तैतीस रुपए के रेट पे आपको कोचिंग्स मिल जाती है ठीक है ट्रिपल थ्री पर मंथ इसका रेट होता है और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप टेस्टबुक बुक की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में एक्सप्लोर करिएगा ये कोड है एन ट्वेंटी जो आप यूज कर सकते हो इस कोड को यूज करके आपको ट्वेंटी परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है सारी सुपर कोचिंग्स के ऊपर ठीक है तो जाइए और मिलते हैं आप लोगों से हम ग्यारह बजे टॉपिक वाइज क्लास में सो टेक केयर गाइज डे कीप शाइनिंग ब्राइट ऑन थैंक यू बाय